सुप्रभात बच्चों, आरपीएस की ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अभी आप सब पढ़ेंगे वर्ग चार की हिंदी। तो आप सब अपनी अपनी किताब कॉपी को निकालें और अपनी पढ़ाई को शुरू करें। तो आप सब इस पाठ को ऑफलाइन कक्षा में भी पढ़ चुके हैं अपने विद्यालय में। तो ये आपका है पाठ 13, सेनापति यूलिसीज। इसमें यूलिसीज सेनापति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसने अपनी वीरता से अपनी रानी को बचाया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शब्दार्थ देखूंगी, क्या है? प्राचीन काल, पुराना समय, आदेश, हुक्म, प्रहार, आक्रमण, चोट, घमासान युद्ध यानी कि भयंकर लड़ाई, साहसी, शक्तिशाली, टापू चारों ओर से पानी से घिरी जमीन, शेष बाकी बचे। अब मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगी, तो आप सब क्या करेंगे कि अपनी हिंदी की किताब को निकालेंगे और यहाँ देखिए इस पाठ को देखिए क्या है। प्राचीन काल में यूनान का एक राजा था, उसका नाम था मेनेलस। यूनान का ट्राय, यूनान का एक पड़ोसी ट्राय जो है वो यूनान का क्या है, एक पड़ोसी राज्य है। एक बार ट्राय का राजकुमार यूनान आया। ट्राय का राजकुमार कहाँ आया? यूनान आया। उसका नाम था पेरिस। उसने जब यूनान की रानी हेलेन को देखा, यूनान की रानी के क्या नाम था? हेलेन। तो उसकी सुंदरता पर वो मोहित उठा। उसे उठाकर अपने देश ट्राय, और उसे उठाकर के कहाँ ले गया? वो अपने देश ट्राय ले गया। यूनान के लोगों को जब इस बात की पता चली तो उन्होंने अपनी रानी को वापस लाने की ठान ली। उसने ट्राय पर हमला करने का निश्चय किया। यूनानी जो थे वो क्या किया? ट्राय पर हमला करने का निश्चय किया। यूनान का राजा मेनेलस ने अपने सेनापतियों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया। यूनान की विशाल सेना पूरी तैयारी के साथ ट्राय की ओर चल दी। जल्द ही सेना ट्राय के समुद्र तक जा पहुंची। यूनान के जो सेना था वो जल्द ही कहां पहुंच गया? ट्राय के समुद्र तट पर जा पहुंची। ट्राय जो था वो चारों तरफ से विशाल टापू से घिरा हुआ था, चार दीवारी से। ट्राय के लोगों ने जब यूनानी सेना की आने की खबर मिली तो उन्होंने क्या किया? अपना जो दरवाजा था चार दीवारी के फाटक को बंद कर दिया और सब अंदर प्रवेश करने की बहुत कोशिश की, परंतु तो क्या हुआ, वे प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि चार दीवारी बहुत ही मजबूत थी। राजकुमार पेरिस और उसकी सेना ने ट्राय के चार दीवारी के अंदर से घेर लिया और यूनानी सेना पर प्रहार कर दिया। और ट्राय का जो राजकुमार था वो क्या किया, सेना को घेर करके उस पर प्रहार यानी कि हमला कर दिया। यूनानी सेना ट्राय की दीवार तोड़ने की बहुत कोशिश करी रही थी पर सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर यूनानी सेना ने ट्राय के चारों ओर घेरा डाल दिया। 10 वर्षों तक घमासान युद्ध चलता रहा। दोनों सेनाओं ने बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन यूनानी जो सैनिक थी वह ट्राय का जो चार दीवारी था उसको नहीं तोड़ पाए, पर वो अपनी रानी को वापस लाने की ठान चुके थे, इसलिए वो वहां से नहीं जा पा रहे थे। वो चाहते थे कि वो सेना जो था वो अपने रानी वो अपमान का बदला लेना चाहते थे। यूनानी सेना में एक बहुत बड़ा बुद्धिमान सेनापति था, उसका नाम क्या था? यूलिसीज। उसे एक तकरीब यानी कि उसे उपाय सूझी। उसने अपने साथियों को कहा कि हमें लकड़ी का एक विशाल खूबसूरत घोड़ा बनाना चाहिए। देखिए, लकड़ी का विशाल खूबसूरत घोड़ा बनाना चाहिए। जो यूलिसीज जो था वो बहुत ही बुद्धिमान था और उसने सोचा कि क्यों ना हम एक लकड़ी का विशाल घोड़ा बनाए। उसके दिमाग में क्या है, एक तरकीब सुझा जो अंदर से खोखला हो, हमारे कुछ सैनिक उसके अंदर छिप कर बैठ जाए और बाकी सैनिक टापू पर चले जाए। घोड़ा बनाया और उसमें अंदर से खोखला भाग कर दिया और कुछ सैनिक को उसमें उसने छुपा दिया और जो बाकी सैनिक थे वो क्या किया, वो टापू पर जा करके छुप जाए। हमें वापस लौटता यानी कि सेनापति बोला कि हमें वापस लौटता देख ट्राय वासियों को लगेगा कि हम हार गए और हार मान करके लौट गए। फिर वे नगर के फाटक को खोलेंगे और सुंदर घोड़े को क्या समझेंगे, खिलौना समझेंगे और उसे कहाँ ले जाएंगे, अपने महल में ले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ,
यूलिसीज का प्रस्ताव सभी लोगों ने मान लिया और सभी लोग टापू पर चले गए और कुछ जो सैनिक थे वो घोड़े में छुप करके बैठ गए। जब ट्रायवासियों ने देखा कि यूनानी सैनिक लौट गए तो बहुत ही खुश हुए, सोचे कि वो हार मान करके चला गया। जब वे बाहर निकले तो उन्हें क्या लगा, उन्हें एक खिलौने घोड़ा मिला और सभी लोग क्या मिल करके उस घोड़े को पकड़ करके घिस करके अंदर ले गए। और अंदर ले जाने के बाद क्या कि जो चार दीवारी के अंदर जो था वो यूनानी सेना प्रवेश कर चुकी थी। और जब रात हुई तो क्या हुआ, यूनानी सेना जो थी वो फाटक खोल दी और वो अपने साथियों को क्या किया, इशारा किया। जो सेना थे सभी जब लोग सो गए तो वो घोड़े के अंदर से निकले और दरवाजा खोलकर उसने अपने साथियों को इशारा किया और टापू पर छुपे हुए जो सैनिक थे वो सभी आ गए और उन्होंने क्या किया, ट्राय पर हमला कर दिया और सभी लोगों को मार गिराया और वो अपनी वापस रानी को लेकर के अपने देश चले गए। तो बच्चों, गलत सोच का परिणाम गलत ही हुआ। ट्राय का जो राजकुमार था उसने रानी हेलेन का अपहरण किया था, जबरदस्ती उसे उठा करके ले गया था। इसकी खामियाजा जो हुआ वो ट्राय के सैनिकों को भुगतना पड़ा। तो गलतियां नहीं करनी चाहिए, गलती का सजा गलती मिलता है, बुरा ही होता है। तो आप आइए प्रश्न उत्तर को हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सारे जो भी प्रश्न उत्तर है सर मैं लिखित करा रही हूँ, मौखिक आप सब खुद कर लेंगे क्योंकि कहानी मैं आपको दोबारा से पढ़ा रही हूँ। यूनान की रानी को कौन उठा करके ले, हम लोग पढ़े हैं यूनान की रानी को राजकुमार पेरिस उठा करके ले गया। यूनानी सेना ट्राय में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रही थी, ट्राय का एक मजबूत चार दीवारी से घिरा हुआ था इसलिए यूनानी सेना ट्राय में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। यूनानी सैनिक क्या ठान चुके थे, यूनानी सैनिक अपनी रानी को वापस लाने की ठान चुके थे। घोड़े के पेट में बैठे सैनिकों ने क्या किया, घोड़े के पेट में बैठे सैनिकों ने किला का दरवाजा खोल दिया और इशारा कर करके अपने सभी लोगों को बुला लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका प्रश्न जो है ये मैं करा दी हूँ, इसको आप अपने से कर लेंगे, इसको भी बनाइएगा सही शब्द चुन करके, खाली स्थान को भरिए। सब आपका क्या है, गृह कार्य सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाना, इस सबको आपको बना लेना है। फिर यहाँ है देखिए, ये हो गया आपका उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। देखिए रुचि अरुचि, कुशल का अकुशल, देखिए हाँ इस सबको आपको बना लेना है। तो इसी के साथ आज की ऑनलाइन कक्षा समाप्त होती है। ये आपका गृह कार्य है, इसको लिख करके सेंड करेंगे। धन्यवाद।